हेलो गाइस, दिस इज अशर फ्रॉम जुगनू प्रोडक्शंस और आज हम एक बिजनेस इंटरव्यू का व्लॉग बनाने जा रहे हैं। ये एक बिजनेस एक रेस्टोरेंट है जो कि मेरे एक फ्रेंड का है वासिक, तो आज हम उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसके बिजनेस की क्या सिचुएशंस रही हैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड एंड हाउ इज ही रनिंग द बिजनेस। थैंक यू, लेट्स गो देयर। सो गाइस, हम रोलबार पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं ये है रोलबार और ये बैठे हैं रोल बार के ओनर वासिक इरफान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिक, मेरी जान कैसे हो ब्रो? ठीक है। सो वासिक, इंटरव्यू देने के लिए तैयार है ब्रो? कैसे तीन चार सवाल पूछने यार तेरे बिजनेस के बारे में, इजी सीन है। चलो ओके, तेरा प्री कोविड सिचुएशन क्या थी और पोस्ट कोविड सिचुएशन क्या है बिजनेस? जो प्री कोविड हमने ये स्टार्ट किए थे अपना फारूक की सिकंदर के खिलाफ तो याद होगा, तो वो प्री कोविड में स्टार्ट हमें हुए थे, मतलब कि आपकी सिटिंग पहले उन्होंने बंद कर दी थी, सिटिंग नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था हमारी चीज़ पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसी बात है जब अगर लोग हमारा फूड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग आर रेस्टोरेंट फूड पार्टनर, उसके भी पीछे काफ़ी बिजनेस वगैरह है, क्योंकि वो आप पैसे वगैरह बनाना देते हैं एंड वी आर द न्यू स्टार्टअप, तो अभी हम लोग चीज़ को बुक नहीं कर सकते। बट स्टिल हाँ, पोस्ट कोविड और प्री कोविड अगर आप देखो तो कोविड के अंदर आपकी अफेक्ट हुई है, हर हर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है एंड द फूड इंडस्ट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टिंग वन, लेकिन और तो ड्राफ्ट कुछ लोगों ने बड़ा फायदा भी उठाया है, जो लोग फूड पांडा वगैरह के थे आपको ही होता है, आप घर बैठे ऑर्डर करते थे रोज ऑर्डर कराते हैं हाँ, तो लेकिन नहीं इतना आई वॉन्ट से कि हैवीली इम्पेक्टेड आर बिजनेस, क्योंकि तब हमने वैसे ही सितंबर में ओपन किया था तब थोड़ी सिचुएशन काम डाउन थी, लेकिन फॉर अदर बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बड़ा हो गया। तो एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा तेरे से, आपके तेरा मेन्यू मैंने ट्राई किया होगा, अब वासिक साहब अपने किचन का टूर तो करा दो यार। हाँ जी, सो गाइज, दिस वॉज इट फ्रॉम माई पार्ट, आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड विल कम अप विद द न्यू स्टफ इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।